साल से बंद वीर सावरकर सरोवर के विरोध में हिंदू महासभा ने ज्योतिरादित्य सिंधिया का पुतला फूंका। 27 जनवरी वीर सावरकर सरोवर सौंदर्यीकरण के नाम पर करोड़ों डकारने के बाद भी जिला प्रशासन और बीजेपी नेताओं की अपेक्षा का शिकार वीर सावरकर सरोवर और वीर सावरकर प्रतिमा को जनमानस के लिए नहीं खोले जाने पर हिंदू महासभा ने बीजेपी के सभी नेताओं को बार बार पत्र लिखा, पर सत्ता के मद में डूबे नेताओं पर कोई असर नहीं हुआ। आज सिंधिया के नगर आगमन पर हिंदू महासभा ने पुतला फूंक कर विरोध प्रकट किया। यह खबर जैसे ही पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन को लगी तो आनन फानन में भी सावरकर सरोवर को खुलवा मामले को रफा दफा करने का प्रयास किया। अब देखना यह है सावरकर सरोवर आगे खुला रहता है या फिर से बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि हिंदू महासभा के दबाव में पहले भी इसे खोला गया था और बाद में फिर बंद कर दिया गया था। पुतला दहन करने वालों में उपस्थित रहे प्रदेश महामंत्री विनोद जोशी, संभागीय अध्यक्ष पवन गुप्ता, संभागीय महामंत्री मनोज जाटव, संभागीय संगठन मंत्री मुकेश बघेल, संभागीय उपाध्याय लक्ष्मण बघेल, संभागीय मंत्री संजय शर्मा, जिला उपाध्यक्ष हेमंत शर्मा, जिला उपाध्यक्ष बंटी गुर्जर, मनोज पाल, आकाश पाल, जितेंद्र राजपूत, दिलीप राजपूत, कुलवंत राजपूत, ओम सेन, सोले, विकास प्रदीप, नरेंद्र, विष्णु, चेतन, सुशील, देवेंद्र, बंटी, विक्की, राजेंद्र, आशीष, प्रकाश, मनोज, दिलीप, विनोद जोशी आदि उपस्थित रहे। हिंदू सभा प्रचंड हो, भारत सिंधिया मुर्दाबाद, वीर सावरकर अमर रहे। आज यहाँ पे जो है ज्योतिराज सिंधिया जी का पुतला दहन किया गया है। ग्वालियर शहर के अंदर 3 वर्षों से बंद पड़ी वीर सावरकर जी की मूर्ति को आज तलक जनता के लिए नहीं खोला गया है। बार बार ज्ञापन और पत्रों के द्वारा इनको चेतावनी दी गई, उसके बाद भी आज तक मध्य प्रदेश सरकार ने ज्योतिराज सिंधिया जी ने सभी लोगों को पत्र दिया गया उसके बाद तक नहीं खोला गया। हम आज यहाँ पे सिंधिया जी का पुतला दहन करने आए हिंदू महासभा के माध्यम से। जल्द से जल्द वीर सावरकर जी का लोकार्पण कर उनका दरवाजा खोला जाए, अन्यथा हिंदू महासभा जन आंदोलन करेगी। जय श्री राम, जय श्री राम, सभा प्रचंड हो।